हेलो फ्रेंड्स, टुडे आर गोइंग टू स्टार्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस क्लास फिफ्थ चैप्टर 8, ए ट्रीट फॉर मॉस्किटो पार्ट 2। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट ए ट्रीट फॉर मॉस्किटोज पार्ट 2। उससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे फर्स्ट पार्ट में कि हम कैसे मॉस्किटो के ब्रीडिंग को रोक सकते हैं, मॉस्किटो को स्प्रेड होने में रोक सकते हैं, और क्योंकि मस्कीटो जो है बहुत डेंजरस है, उससे हमारे कई सारी बीमारियां हो सकते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ऐसे बहुत। तो फिर ये बहुत डेंजरस डिजीज है। तो फिर होप आप सब बहुत संजत हो गए होंगे, अब आपके घर में मस्कीटो नहीं आने वाले हैं। तो रजत और नैन्सी क्या बात कर रही हैं, चलिए सुनते हैं। रजत बोल रहा है, द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा, व्हाट आर दोज? अरे ये पोस्टर में तो लार्वा के बारे में बताया गया है, तो फिर ये लार्वा है क्या? तो नैन्सी बोल रही है, दे आर बेबी मस्कीटोज। नैन्सी सबसे ज्यादा चालाक और अकलमंद है। नैन्सी बोलती है कि अरे लार्वा मतलब है बेबी मस्कीटोज, यानी कि मस्कीटो का बच्चे। बट दे डोंट लुक लाइक मस्कीटोज एट ऑल। जनरली क्या होते हैं, बेबी जो होते हैं वो अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं, पर मस्कीटो बेबी तो मस्कीटो की तरह नहीं दिखते। तो फिर कैसे दिखते हैं वो? ऐसा नहीं दिखते। अगले पेज में उसका एक चित्र है, उसे आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि वो कैसे दिखते हैं। आरती पूछ रही है, व्हाट डिड यू सी देम? अच्छा तो तुमने वो बेबी मस्कीटो या फिर लार्वा वो कहाँ देखे थे? तो नैन्सी बोल रही है, देयर वाज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस। अरे हमारे घर के पीछे ना एक ओल्ड पॉट, पुराना पॉट पड़ा था। इट वाज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, कुछ दिन उसमें पानी क्या भर गया। आई लुक देयर, आई सॉ सम टाइनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग स्विमिंग। मैंने देखा उसके अंदर कुछ बहुत छोटे छोटे थ्रेड लाइक और ग्रे थिंग्स जैसे स्विम कर रहे हैं। आई वॉज सरप्राइज व्हेन मम्मी टोल्ड मी दैट दिस हैड कम आउट ऑफ द एग्स विथ मस्कीटोज ले इन वाटर। मम्मी ने कहा ये तो मस्कीटो के अंडे हैं और उसी में से लार्वा निकल आए हैं, तो दे आर कॉल्ड लार्वा, और उसी छोटे छोटे बेबी मस्कीटो को बोलते हैं लार्वा। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो। हाँ और मैंने भी रेडियो में इसके बारे में सुना था। तो रजत बोला, व्हाट डिड यू डू? तो फिर तुमने क्या किया, क्योंकि मस्कीटो तुम्हारे घर में पीछे की ओर। तो रजत नैन्सी बोली, पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर। और क्या, उसे थोड़ी ना घर में रखना है, हमने इमीडिएटली उसको फेंक दिया। ही क्लीन्ड एंड ड्राइड द पॉट एंड कैप्ट इट अपसाइड डाउन। उन्होंने तो, मेरे पापा ने तो तुरंत फेंक दिए, उसको ड्राई भी कर दिए, और हाँ उसका अपसाइड डाउन करके रख दिए ताकि उसमें पानी जमा ही ना हो और ब्रीडिंग का चांस भी ना हो, सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट। है ना अच्छा आइडिया, तो हम लोग भी ऐसा ही करना चाहिए। जसकिरत, जसकिरत क्या बोल रही, सज्जा आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिजीजेस स्पेशली स्टोमक प्रॉब्लम्स। जसकिरत कहाँ सुनी थी, वो बोला कि साजा आंटी तो बोल रहे थे ये मस्कीटो की बात छोड़ो यार, ये फ्लाइज भी डिजीज करते हैं। तो फिर क्या डिजीज करते हैं, जैसे स्टोमक प्रॉब्लम हुआ, ये सब फ्लाइज तो करते हैं। तो रजत बोल रहा है, बट फ्लाइज डोंट बाइट, फ्लाइज तो नहीं काटते ना जैसे मस्कीटो काटता है। देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीजेस, तो फिर वो कैसे डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं भला? तो फिर ये भी हम डिटेल में देखेंगे। ये देखिए, अब ये चित्र दिया गया है कि लार्वा सीन थ्रू हैंड लेंस। अगर छोटी हैंड लेंस में आप देखेंगे तो लार्वा कैसे दिख रहे हैं, क्या थोड़ा सा भी इनका मस्कीटो का सिमिलरिटी है? बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल मस्कीटो की तरह नहीं दिखते, फिर भी बड़े होकर मस्कीटो ही बनेंगे। सो बी केयरफुल, फाइंड आउट एंड टेल, हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? ऐसे पोस्टर आप कहीं देखे हैं कि हु डू यू थिंक पुट्स अप सच पोस्टर? कौन ऐसे पोस्टर डाले होंगे और गिव्स एड्स इन द न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में एड दिए होंगे? ये तो मेडिकल हेल्थ सेंटर वाले ही डालेंगे ना, क्योंकि अगर रोग बढ़ जाएगा तो उन लोगों को टेक केयर करना पड़ेगा। तो व्हाट आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर? पोस्टर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा गया है? व्हाई डू यू थिंक पिक्चर्स ऑफ ए टैंक कूलर एंड पीड्स आर सोन इन द पोस्टर? आपको क्या लगता है ये टैंक कूलर पीड्स के चित्र क्यों दिया गया है पोस्टर में? अब तो आपको पता चल गया है ना क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें पानी, पुराना पानी जमे रहने का चांसेस है, और ये पुराना पानी बहुत डेंजरस है क्योंकि इसमें मस्कीटो लार्वा होने का चांसेस है।
तो फिर वी शुड अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, इसीलिए बी केयरफुल अबाउट दिस, लेट देम बी ड्राई एंड कीप इट इन सच ए मैनर दैट देयर शुड बी नो डेवलपमेंट ऑफ और ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज. सो आप सोचिए, व्हाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक, कि आप टैंक में फिश भरने के लिए क्यों सोच रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक द फिश ईट्स, क्योंकि फिश जो है, फिश खाता क्या है? ऐसे मस्किटो लार्वा को खा जाता होगा, इसीलिए तो फिश भरने के लिए सोच रहे हैं. व्हाट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर, और एक बात है कि अगर वाटर के ऊपर ऑयल स्प्रेड किया जाए तो अरे उसी से भी लार्वा ब्रीथ नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे. तो फिर इसी से भी हम चेक कर सकते हैं लार्वा डेवलपमेंट को. व्हिच डिजीजेस आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ, कौन कौन सा डिजीजेस है जो कि फ्लाई के द्वारा होता है और क्यों होता है? क्योंकि ये फ्लाई जो है ये गंदगी के ऊपर बैठता है, फिकास के ऊपर बैठता है, एक्सक्रीशन के ऊपर बैठता है, और फिर वहाँ से होके सीधा हमारे खाने के ऊपर बैठता है. तो फिर ऐसे में हमारे जर्म्स आ जाते हैं हमारे खाने में और स्टमक में प्रॉब्लम आ जाता है. मस्कीटो चेक, ड्राइव योर क्लास इंटू टू और थ्री ग्रुप्स, आपके क्लास के टू थ्री ग्रुप्स बना दीजिए. ईच ग्रुप विल गो अराउंड टू चेक वन एरिया इन स्कूल और अराउंड इट, आपके स्कूल के चारों ओर जाएंगे और ऐसे एरिया चेक करेंगे. इट मस्ट केयरफुली नोट इफ वाटर हैज कलेक्टेड एनी वे, वो देखेंगे कि कहाँ पर ऐसे पानी जमा हो रहा है, क्या आपके स्कूल के फील्ड में हुआ या फिर और कहीं पर आस पास हुआ, पानी जमा हो रहा है क्या. एंड मार्क टिक वेर इट फाइंड स्टेगनेंट वाटर, और उनको बोलिए कि वो ऐसे टिक करें कि कहाँ पर स्टेगनेंट वाटर देखे. स्टेगनेंट वाटर मतलब क्या पता है? जो कि नॉट फ्लोइंग वाटर, जो कि फ्लोइंग वाटर नहीं है वो है स्टेगनेंट वाटर, यानी कि पानी जमा होके रह जाना, उसे कहते हैं स्टेगनेंट वाटर. तो पॉट में, कूलर में, टैंक में या फिर एनी अदर स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड या फिर गटर में, एनी अदर प्लेस, तो फिर ये सारे जगह है जहाँ पर कि पानी जमा होने का चांसेस है. सिंस हाउ मेनी डेज वॉज वाटर कलेक्टेड देयर, कितने दिनों से पानी जमा है. हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दीज प्लेसेस क्लीन, एक्चुअली ये किसका काम है ये सारी चीज को क्लीन रखना. हु इज सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर, ये ड्रेन और गटर जो इतने बड़े बड़े सारे हैं, इसका रिपेयरिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसका है, ये सब सवाल हमारे मन में उठना चाहिए हम, और उसके हल करने तक जाना चाहिए हम लोग, ताकि हमको पता चले, हमको अवेयरनेस आए इसी सब के बारे में, और हम खुद गटर को गंदा ना करें और ड्रेन में पानी जमा ना रहने दी. कैन एनी लार्वा लाय सीन इन द कलेक्टेड वाटर, क्या किसी में आपने लार्वा देखा है, जो जो पानी आपने कलेक्ट करके लाए किसी में लार्वा देखा? हैज इट कॉज एनी प्रॉब्लम इन द एरिया, और उसी से उसी एरिया का प्रॉब्लम हुआ हो? राइट, अगर हुआ है तो फिर आप लिखिए, क्योंकि ऐसे हो के ही एक दिन इसका समाधान निकला था. एक एरिया में हमको मलेरिया की पैरासाइट के बारे में पता चला था, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे. इन योर ग्रुप मेक ए पोस्टर विथ ए मैसेज टू कीप द कूलर टैंक ड्रेन्स एंड द एरिया क्लीन, तो फिर आप एक से पोस्टर बनाइए जिसमें टैंक ड्रेन और कूलर और आसपास वाला एरिया क्लीन रखने के लिए कहा गया हो. पुट अप योर पोस्टर इन एंड अराउंड योर स्कूल, वो पोस्टर का आप स्कूल के बाहर लगाइए, स्कूल के अंदर लगाइए, घरों के बाहर लगाइए. फाइंड आउट हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन, ये आप पता कीजिए कि आपके स्कूल के चारों ओर साफ रखने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है. राइट ए लेटर फ्रॉम योर क्लास रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स एंड सजेशंस, और आपके क्लास की ओर से एक लेटर लिखिए कि और आपका कि आपने ऐसा ऐसा पाया कि स्कूल के चारों ओर कहाँ पर गड्ढा है उसमें पानी जमा हो रहा है, और आपका सजेशन लिखिए उसमें, आपका मतामत लिखिए कि हमें लगता है इसको ऐसे गड्ढे नहीं रहना देना चाहिए, उसमें मिट्टी भर लेना चाहिए, आपका सजेशन दीजिए. फाइंड आउट टू होम द लेटर शुड बी रिटर्न एंड टू विच ऑफिस इट शुड बी सेंड, और ये भी पता कीजिए कि कौन सा ऑफिस के कौन सा ऑफिसर को ये लिखना चाहिए. ठीक है, इतना बात पता करेंगे तो आपको आप रियली अकलमंद है ये बात हम मान जाएंगे. तो सर्वे रिपोर्ट, सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे, कुछ चिल्ड्रन ने, ये बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट है, तुरंत ही
कुछ सर्वे शुरू कर दे, हियर आर सम ऑफ देयर रिपोर्ट्स। तो आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे ने क्या क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ग्रुप वन ने क्या किया? वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन आवर स्कूल व्हिच इज कॉल्ड अलगा। तो फिर हमारे वो देखे कि टैब की चारों ओर, स्कूल के टैब की चारों ओर कुछ ग्रीन ग्रीन सा, शायद आप भी देखे होंगे, पर अब नजरअंदाज कर दिएंगे और उन लोगों ने अच्छी तरह नोटिस किया है कि टैब की चारों ओर ग्रीन ग्रीन सा होता है ना, जिसके ऊपर अगर पैर लग जाए तो आप फिसल भी जाते हैं। तो ये क्या है पता है? ये एक्चुअली अलगा है। तो ये एक्चुअली प्लांट है या एनिमल है या क्या है, ये ग्रीन क्यों दिखता है? तो ड्यू टू अलगा ए काइंड ऑफ प्लांट, ये एक टाइप ऑफ प्लांट है। इट हैड ऑल्सो बिकम स्लिपरी देयर। तो ये अलगा होने के कारण उधर वो स्लिपरी हो गया, फिसलता जैसा हो गया है। द अलगा स्प्रेड्स ए लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब बारिश के मौसम आता है ये बहुत तेजी से फैलता है, ज्यादा पानी पानी होता है ना उसी जगह अलगा डेवलप करता है। वी थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। तो वे ऐसे प्रकार के छोटे प्लांट है, आप तो जानते हैं ये छोटे ही है, बड़े तो होते नहीं है, और ये पानी में ही ज्यादातर अपना ग्रो करते हैं। और ग्रुप टू ने क्या किया है? देयर इज अ पॉन्ड नियर द स्कूल, स्कूल के पास एक पॉन्ड है। एट फर्स्ट यू कैनॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड एज इट इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ प्लांट्स। पहले तो पॉन्ड के पानी भी नहीं दिखता था क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर अब कुछ कवर होके रहता था। क्या रहता था? वन आंटी टोल्ड अस दैट दीज प्लांट्स हैव ग्रोन देमसेल्व्स इन वाटर। कुछ प्लांट्स उसके पानी के ऊपर, पॉन्ड के पानी के ऊपर डेवलप किए हैं, और वो कोई नहीं उसको प्लांट किए हैं, वो अपने आप डेवलप हुए हैं। अराउंड द पॉन्ड देर आर पेड्स फुल ऑफ वाटर। और हाँ, पॉन्ड के चारों ओर छोटे छोटे गड्ढा भी थे और जिसमें पानी भरे हुए थे। वी ऑल्सो सॉ सम लार्वा इन द वाटर। और उसी पानी को हमने झांका तो फिर उसमें लार्वा भी था। एज यू मूव अराउंड, जैसे हमने चारों ओर देखा, लॉट्स ऑफ मस्कीटोज फ्लू फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड। उसमें जो छोटे छोटे प्लांट्स थे, प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे मस्कीटो भी बैठे हुए थे। हमने थोड़ा किया, पास गए, सारे मस्कीटो भुर करके उड़ के चले गए। तो जसकिरत फील्स दैट देर आर सो मेनी मस्कीटोज इन हर हाउस बिकॉज ऑफ दिस डर्टी पॉन्ड नियर बाय। अब जसकिरत को लगा कि इसीलिए ये पॉन्ड और उसके चारों ओर के गड्ढा के कारण मेरे घर इतना मस्कीटो जा रहे हैं, तो हमें ऐसे गड्ढा नहीं रहना देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में भी मस्कीटो आ सकते हैं, जो कि बहुत आप लॉस हो जाएगा आपका। इज देयर ए पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल? क्या आपके घर के चारों ओर ऐसे पॉन्ड या रिवर है? गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दिस थिंग्स। अगर है तो आप जरूर जाइए और जरूर देखिए कहीं गड्ढा तो नहीं, उसमें पानी तो नहीं, कहीं उस पानी में मस्कीटो लार्वा तो नहीं। तो कैन यू सी अलगा इन और अराउंड द वाटर? तो आप ये जो पानी के पास अलगा रहता है आप देख पा रहे हैं ना? जरूर देख पाते हैं, भले ही ये छोटा प्लांट है पर हम देख तो पाते हैं। वेयर एल्स हैव यू सीन अलगा? ऐसे अलगा आप और कहाँ देखे हैं? जहां जहां पर पानी का होता है, संबंध होता है, रेगुलर पानी होता है, वहां पर ज्यादातर ये फिसलता है। क्यों फिसलता है? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस अलगा। तो फिर ये अलगा के कारण ही फिसलता है, ग्रीन ग्रीन दिखता है। अब ये ग्रीन देख के आपके मन में प्रश्न नहीं उठेगा ना कि ये क्या है बोल के, आपको अब सब पता चल गया है। अदर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर? तो फिर ऐसे भी प्लांट है क्या कि वाटर के साइड में बड़ा हुआ? फाइंड आउट देयर नेम्स, उसका नाम बोलिए। ड्रॉ सीन ऑफ दिस इन योर नोटबुक, और ऐसे आप उसका चित्र भी बनाइए। डू यू थिंक दीज वेर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन? आपको क्या लगता है कि कोई ला कि वहां पर वो प्लांट क्या है, वो या फिर वो अपने आप हुआ है? ऑब्वियसली वो अपने आप ही हुआ है, क्योंकि किसका, हम ऐसे प्लांट अपने आप ही हो जाते हैं। व्हाट एल्स कैन यू सी इन वाटर? इसके सिवा आप वाटर में और क्या देखने के लिए पाते हैं? मैके के लिस्ट, उसका एक लिस्ट जरूर बनाइए। तो हमने तो यहाँ पर पढ़ा कि मस्कीटो के लार्वा ये सब, अब भी आप झांकेंगे थ्रू द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे जीव जैसे स्पाइरोगायरा हुआ या फिर बैक्टीरिया, वो सब वगैरह भी आपको पानी में देखने के लिए मिलेगा।
ए साइंटिस्ट पिप्स इंटू, और बहुत सारे जर्म्स देखने के लिए आपको मिलेगा. तो ए साइंटिस्ट पिप्स इंटू ए मस्कीटो स्टोमक. एक साइंटिस्ट जो कि मॉस्किटो के स्टोमक में झांक कर देखे, कौन है वो? वो है रोनाल्ड रस. दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टू प्लेस ऑलमोस्ट 100 ईयर्स एगो. 100 वर्षों पुराने बात है. ए साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया. एक साइंटिस्ट को ये पता चल गया कि मलेरिया मॉस्किटो से ही फैलता है. लेट्स रीड अबाउट दिस डिस्कवरी इन हिज ओन वर्ड्स. ये तो बहुत बड़ी डिस्कवरी है. तो फिर ये इसी हद तक ये नतीजे पर वो उन्होंने कैसे पहुंचे, आइए देखते हैं इसका डिटेल स्टोरी. माय फादर वाज अ जनरल इन द इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मी में मेरे पापा एक जनरल थे. आई स्टडीड टू बिकम ए डॉक्टर. और मेरे को पढ़ पढ़ के एक डॉक्टर बनना था. बट व्हाट आई रियली लाइक टू वॉच रीडिंग स्टोरीज, राइटिंग पोएट्री, म्यूजिक एंड ड्रामा. पर मुझे बनना तो था डॉक्टर, पर मुझे अच्छा क्या लगता था? मुझे स्टोरी पढ़ना अच्छा लगता था, पोएट्री लिखना अच्छा लगता था, म्यूजिक ड्रामा ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था. इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय डूइंग ऑल दिस. इसीलिए मैं अपने फ्री टाइम में बस यही करता था. तो इन दोज डेज, तभी की बात है, थाउजेंड्स ऑफ पीपुल यूज टू डाई फ्रॉम ए डिजीज दैट वी नाउ कॉल मलेरिया. उन दिनों हजारों लोग मर गए थे जिसे आजकल हम मलेरिया बोल रहे हैं. द डिजीज वॉज फाउंड इन एरियाज हुएर देर वॉज ए लॉट ऑफ रेन. तो वो ऐसी जगह पर होता था जहाँ पर कि लॉट ऑफ रेन होता था, बारिश बहुत होता था. और इन स्वैम्पी प्लेसेस या फिर जहाँ पर पानी ज़्यादातर जमा होकर रहता था, तो पीपुल थॉट दैट द इलनेस वॉज कॉज्ड बाय सम पॉइजनस गैस दैट केम फ्रॉम द डाटी स्वैम्पी एरियाज. तो लोग ऐसा सोचने लगे थे कि शायद इसी डाटी प्लेस से कुछ पॉइजनस गैस निकल रहा है, और क्योंकि पानी बहुत दिनों से जमा हो गया है इसीलिए लोग इतना मर रहे हैं. दे गेव इट द नेम मलेरिया. तो उन्होंने उसका नाम दिया मलेरिया. और उनका कहने का मतलब था मलेरिया व्हिच मीन्स, जिसका मतलब था कि बैड एयर यानी कि खराब एयर. तो उसका मतलब था खराब एयर. वन डॉक्टर हैड सीन टैनी जर्म्स इन द ब्लड ऑफ वन ऑफ द पेशेंट. एक डॉक्टर ने देखे कि एक पेशेंट की ब्लड में कुछ छोटी छोटी जर्म्स है. When he observed it under a microscope, जब एक माइक्रोस्कोप थ्रू से उन्होंने ऑब्जर्व किया तो फिर देखे कि छोटे छोटे टाइनी जर्म्स है. बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस हैड गॉट इन टू द पेशेंट्स ब्लड. उनको समझ में नहीं आया कि पेशेंट के ब्लड में ये कैसे घुसा, कहाँ से आया. तो माई प्रोफेसर हैड सम आइडियाज अबाउट दिस. जो रोनाल्ड रस की प्रोफेसर थे उनको कुछ आइडिया था उसी बारे में. तो आई थिंक दैट दिस मे बी कैरेड बाय सम काइंड ऑफ मॉस्किटो एज हिज स्टूडेंट. तो फिर उन्होंने कहा कि उनको लगा कि जैसे ये किसी मॉस्किटो के द्वारा ही ब्लड में आया है. तो उनके स्टूडेंट होने के नाते आई स्पेंड ऑल माई टाइम चेजिंग मॉस्किटो. वो भी मॉस्किटो का, रोनाल्ड रस क्योंकि उनका स्टूडेंट थे इसीलिए मॉस्किटो का पीछा लगना शुरू कर दिए. टू कैच एंड ऑब्जर्व. तो मॉस्किटो कैच करने लगे और ऑब्जर्व करने लगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कौन सा मॉस्किटो उसको ले रहा है, ये जर्म्स कहाँ से ला रहा है. वी यूज टू कैरी एम्प्टी बॉटल्स एंड चेंज मॉस्किटोज आफ्टर मॉस्किटो. ये खाली बॉटल लेके जाते थे और मॉस्किटो के पीछा लग जाते थे और मॉस्किटो कलेक्ट करते थे. अरे मुझे जैसे पता है, मैं और भी पढ़ी हूँ उनके बारे में, कि लोग तो पागल कहने लगते थे कि कैसे ये आदमी पागल की तरह पागल हो गया है. मॉस्किटो मॉस्किटो पता नहीं, कोई सोना नहीं चांदी नहीं, मॉस्किटो पकड़ता जा रहा है, क्या मिल रहा है, ऐसे लोग सोचने लगे थे. और वो बोतल में वो भरते थे. तो किस लिए क्यों भरते थे? क्योंकि उनको कैच करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे. देन ही वुड पुट द मॉस्किटो इनटू ए मॉस्किटो नेट. फिर वो उनको मॉस्किटो नेट में भरते थे. इन व्हिच देयर वाज ए पेशेंट ऑफ मलेरिया. तो मलेरिया पेशेंट के पास उसको लेते थे और द मॉस्किटो वुड हैव ए फीस्ट बाइटिंग दिस पेशेंट. मॉस्किटो को अलाउ किया जाता था कि वो पेशेंट को बाइट करे, काटे. द पेशेंट्स वेयर
पेड वन अन्ना फॉर अलाइंग वन मॉस्किटो टू बाइट देम। और क्योंकि पेशेंट वहां से उस मॉस्किटो को काटने के लिए अलाउ करते थे, इसीलिए उनको एक अन्ना भी दिया जाता था। ऐसा नहीं कि फ्री का काटने के लिए अलाउ किया था। एक अन्ना मतलब क्या है, कितना पता है? जैसे उस टाइम में 16 आना में 1 रुपया होता था, और 8 आना में 16 से हाफ 8 आना में, अब अपने पापा लोग को, पापा मम्मी को पूछेंगे ना तो उनको भी पता होगा, तो 8 आने में 50 पैसे होता है और 16 आने में 1 रुपया होता था। तो फिर यही है आना, अलाइंग द मॉस्किटो टू बाइट देम। आई ऑलवेज रिमेम्बर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद। तो फिर ये सब कहाँ होता था? कोई फॉरेन अमेरिका या कनाडा में नहीं होता था, ये सब सिकंदराबाद की बात है। तो फिर सिकंदराबाद हॉस्पिटल, एक छोटा सा हॉस्पिटल में देखिए कितने बड़ी बड़ी काम हुआ है। यानी कि अगर आप लगन से काम करें तो किसी छोटा जगह नहीं, बड़ी जगह नहीं, बस आपकी मेहनत और डेडिकेशन ही चाहिए किसी चीज़ को अंजाम देने के लिए। तो बच्चों मेहनत करोगे ना, तो सिकंदराबाद की वो हॉस्पिटल में हाउ वी यूज टू कट ओपन द मस्किटो स्टोमाक एंड पीप इन टू इट। तो फिर मस्किटो के स्टोमाक को काट के, फिर कट करके अंदर झांकते थे। इतनी छोटा सा मस्किटो, उसके आपको क्या लग रहा है कि आप देख पाएंगे कुछ? पर वो सब माइक्रोस्कोप के थ्रू से हो रहा था, इसीलिए वो इतना करते जाते थे और उनका जुनून था। तो ऐसे में किया जाता था, तो मस्किटो स्टमक को उपयोग। आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बेंट ओवर द माइक्रोस्कोप। तो वो माइक्रोस्कोप के ऊपर घंटों भर वो झांकते रहते थे, इसीलिए कभी कभी क्या होता था, बाय नाइट माय नेक वुड बी स्टिफ, मेरे नेक तो पूरा स्टिफ हो जाता था, एंड माय आईज कुड नॉट सी क्लियरली। यानी कि आँख भी टायर्ड हो जाते थे, नेक भी स्टिफ हो जाता था। इट यूज टू बी वेरी हॉट बट वी डेयर नॉट फैन आवर सेल्फ। बहुत गर्मी भी लगता था, फिर भी वो लोगों ने थोड़ा सा भी पहनने देते थे। आप सोचो, आप बिना एसी के रह नहीं पाओगे, बिना फैन की, यानी कि किसी भी काम करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। देखिए कितना कष्ट सहकर वो किए हैं, यानी कि फैन तक नहीं देते थे। एज और ये फिर सिकंदराबाद तो फिर बहुत गर्मी जगह है भाई। तो एज ऑल द मस्किटोज वुड फ्लाई ऑफ इन द ब्रीज, क्योंकि अगर फैन दे दिया जाएगा तो मस्किटो उड़ जाएंगे वो हवा में। वंस आई ऑल्सो फेल इल विथ मलेरिया, ऐसा हुआ था एक बार तो रोनाल्ड रस को भी मलेरिया हो गया था। आई स्पेंड मंथ्स लाइक दिस विद द माइक्रोस्कोप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। ऐसे महीनों महीनों भर वो अपना टेस्टिंग चलाते रहते थे, ऑब्जर्वेशन, पर कुछ नहीं मिलता था। वन डे वी कॉट ए फ्यू मस्किटोज दैट लुक्ड डिफरेंट। कुछ दिन तो कुछ, अरे ये मस्किटो कुछ अलग सा लग रहा है, उनको ऐसा लगा। तो दे वर ब्राउनीज विथ स्पॉटेड विंग्स, कैसे अलग था वो कलर में ब्राउन था और फिर उनका विंग्स जो था वो स्पॉटेड था, कुछ स्पॉट था। तो व्हेन आई लुक्ड इनटू स्टोमाक ऑफ वन ऑफ द फीमेल मस्किटो, जब ऐसे ही एक मस्किटो की, फीमेल मस्किटो के स्टोमाक में वो झांके, आई सॉ समथिंग ब्लैक देयर, कुछ कुछ ब्लैक सा दिखा। आई लुक्ड क्लोजर, और गहराई से पास से ही देखी। आई सॉ दैट दिस टाइनी जर्म्स लुक्ड जस्ट लाइक द वंस दैट वर फाउंड इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। तो ऐसे ही दिखता था जो कि वो मलेरिया पेशेंट, आपको याद है ना, उनके उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने देखे थे। मलेरिया पेशेंट की जर्म्स में जो दिखता है, जैसे दिखता है ऐसे ही जर्म्स दिखा। एट लास्ट वो हैड द प्रूफ, हमको प्रमाण मिल गया, अरे मस्किटोज डिड स्प्रेड मलेरिया। कितनी बड़ी सक्सेस आप सोच पा रहे हैं, उन्हीं की ये डिस्कवरी की वजह से आज हम लोग मलेरिया होकर भी हंस हंस के जिंदा है ना। तो इन दिसंबर 1902 रोनाल्डस गॉट द हाईएस्ट अवार्ड फॉर हिज डिस्कवरी, द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। वाह ये तो कमाल हो गया। तो और ये होना ही था, इतनी बड़ी डिस्कवरी जो है सारी मैनकाइंड के लिए कितनी बड़ी अवदान आप सोच पा रहे हैं। तो दिसंबर 1902 में दिसंबर में उनको सबसे बड़ा प्राइज, नोबेल प्राइज से विभूषित किया गया फॉर मेडिसिन के लिए। पर जब वो 1905 में जब वो मर रहे थे, व्हेन ही वाज डाइंग, रस लास्ट वर्ड वेयर
आई विल फाइंड समथिंग, आई विल फाइंड समथिंग न्यू, आई विल फाइंड समथिंग न्यू। तभी भी उनको मन में और चाहत था कि वो कुछ और बड़ा कुछ डिस्कवर करे, और कुछ बहुत अच्छा करे मानव समाज का। उनको कुछ और मिल जाएगा, और देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर ऐसे ही चाहत रहता है, तब भी जाकर कुछ मिलता है। तो फिर ये था हमारी रोनाल्ड रस के बाद। तो फिर हु इज गोइंग टू बी नेक्स्ट रोनाल्ड रस? हाँ, बी इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी। ओके, देन व्हाट वी हैव लर्न्ड, हमने क्या सीखा? व्हाट डू यू डू सो दैट मस्किटो डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड? आपको क्या करना है ताकि आपके घर में, स्कूल में या फिर नेबरहुड में मस्किटो ब्रीड ना ही करें? आपको तो बहुत अच्छी तरह पता चल गया है, मस्किटो नेट देना, उसके ऊपर केरोसिन डालना, या पानी जमा रहने मत देना 7 दिन में एक बार, जिसमें पानी जमा होता है उसको ड्राई अप करना और उसको पलट के रखना ताकि पानी जमा ना हो, है ना। और सेकंड पॉइंट है, हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ समवन हैज मलेरिया? किसी को अगर मलेरिया है तो आपको कैसे पता चलेगा? आप क्या क्या करोगे? अब आपको पता चल गया है कि आपको सीधा ब्लड टेस्ट करना है। ब्लड में वो पता चल जाएगा कि जर्म्स है बोल के, तो फिर आपको ब्लड टेस्ट करके जरूर ही पता लगाना है, ऐसे ही केयरलेसली छोड़ नहीं देना है। तो फिर हमने इस चैप्टर में बहुत सारे सीखा। होप यू एंजॉयड माई टीचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कंप्लीट अवर चैप्टर। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट चैप्टर अपलोडेड बाय मी। थैंक यू।